हाय फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं बांग्लादेश अंडर 19 वर्सेस साउथ अफ्रीका अंडर 19 के बीच में जो ओडियाई सीरीज का नेक्स्ट मैच खेला जाएगा सुबह आठ तीस में ये मुकाबला होने वाला है और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीमों की पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा बैटिंग ऑर्डर के साथ कौन से खिलाड़ी भाइयों कितने नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं इनके पुराने स्टैट्स क्या है सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा भाइयों एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अगर आपको पसंद आता है भाइयों तो वीडियो को एक बार लाइक करके भी हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं और सबसे जरूरी दोस्तों फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो कैसे ज्वाइन कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा जैसे ही मोर के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस प्रकार शो हो जाएगा ये जो टॉप में आप लिंक देख रहे हैं ना ये मेन चैनल का लिंक है आफ़्टर टॉस अगर कोई भी चेंजेस होता है भाइयों तो फाइनल टीम फिर आपको इसी ग्रुप में मिलेगा तो एक बार ज्वाइन करके रख लेना भाइयों जैसे लिंक पर आप क्लिक करेंगे ना तो नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन आएगा ठीक है ज्वाइन कर लेना है बाकी जो आप नीचे देख रहे हैं दोस्तों ये बैकअप चैनल का लिंक है चलिए अब रिकॉर्ड्स की ओर आगे बढ़ते हैं देखो टाइमिंग साढ़े आठ बजे रहने वाला है शेख अबू नासर स्टेडियम कुलाना में मुकाबला होगा यहाँ का पीच कंडीशन की बात किया जाए दोस्तों तो मैंने आपको बताया था 250 के आसपास तो स्कोर बने हैं क्योंकि दोनों ही टीम ने अभी तक दोस्तों दो दो मैचेस खेल चुका है यानी थर्ड मैच ये होने वाला है पहला मुकाबला एक 145 का टारगेट दिया था आप देख सकते हैं जिसमें से यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों बी डी की जो टीम है यानी बांग्लादेश अंडर नाइनटीन की जो टीम है एक सौ बावन तक चेज कर लिया आसानी से पहला मुकाबला बांग्लादेश की टीम ने जीता है लेकिन सेकेंड मैच की बात करते हैं तो दो का टारगेट पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने दिया जिसमें से साउथ अफ्रीका की जो टीम है दो रन ही बना पाया और यहाँ पे भी बांग्लादेश की टीम जीतते हुए आ रहे हैं यानी इस सीरीज में देखोगे तो दोस्तों दोनों ही आ, मैच जो है बांग्लादेश अंडर नाइनटीन की टीम जीतते हुए आ रहे हैं चलिए बैटिंग ऑर्डर समझते हैं रिजवान चौधरी ओपन करेंगे पहले मैच के अंदर चार रन स्कोर किया हुआ है राइट हैंड बल्लेबाज है पच्चीस रन स्कोर किया है दूसरे मैच के अंदर एक ओवर बॉलिंग किया कोई विकेट नहीं मिला लेकिन दो मैच के अंदर चौबीस रन बनाया हुआ है टी में कुछ खास एक्सपीरियंस का है नहीं लेकिन इस सीरीज के अंदर ओपन करने के लिए आ रहा है इस वजह से ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी असिकुर रहमान सिविली जो कि यहाँ पे पहले मैच के अंदर जुड़े हैं फिर फिर यहाँ पे चौदह रन दो मैच के अंदर ओवरऑल चौदह रन स्कोर किया हुआ है अट्ठारह मैच के अंदर तीन सौ चौरानवे रन के करियर रिकॉर्ड है बाकी यहाँ पे दोस्तों अदिल बिन सिद्दीक का रिकॉर्ड जो कि दो मैच के अंदर सिक्सटी फाइव रन है चौवालीस मैच के अंदर तेरह सौ पंद्रह रन के करियर रिकॉर्ड है बाकी यहाँ पे अरिफुल इस्लाम दो मैच के अंदर तिरपन रन बना के दो विकेट निकाला है लेकिन तेरह मैच के अंदर दो सौ बिरासी रन बना के दो विकेट इनके करियर रिकॉर्ड है बाकी दोस्तों यहाँ पे अरार अमीन जो कि दो मैच के अंदर छः रन स्कोर किया हुआ है दोस्तों चालीस मैच के अंदर आठ रन बना के अट्ठारह विकेट इनके करियर रिकॉर्ड है मोहम्मद सिबाब जेम्स जो कि पहले मैच के अंदर उनतीस रन स्कोर किया फिर सिक्सटी रन बनाया हुआ है दो मैच के अंदर 95 रन इस सीरीज के अंदर बनाए हैं जो कि बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है मिडिल ऑर्डर पे बल्लेबाजी करते हुए ये बहुत अच्छा खेला हुआ है बाकी मोहम्मद जकरिया इस्लाम संतो जो कि दो मैच के अंदर 32 रन है 27 मैच के अंदर तीन रन बना के चौदह विकेट है भाइयों बाकी यहाँ पे यहाँ पे मैसूर रहमान का रिकॉर्ड देखोगे दोस्तों मैजूर रहमान जो कि दो मैच के अंदर सैंतीस रन बना के दो विकेट है छिहत्तर मैच के अंदर 296 रन बना के बावन विकेट्स निकाला हुआ है मोहम्मद रफी उस्मान जो कि दो मैच के अंदर सैंतीस रन बना के छः विकेट निकाले हैं इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है दोस्तों दस ओवर तक बॉलिंग करेंगे बाकी यहाँ पे मोहम्मद रहनाथ का रिकॉर्ड देखेंगे दो मैच के अंदर आठ रन बना के चार विकेट निकाला हुआ है ग्यारह मैच के अंदर बाईस विकेट इनके करियर रिकॉर्ड है बाकी मोहम्मद इकबाल हसन का रिकॉर्ड देखोगे दो मैच के अंदर चार रन बना के दो विकेट है बत्तीस मैच के अंदर अंठावन रन बना के छियासठ विकेट इनके करियर रिकॉर्ड है जो कि बहुत बढ़िया है दोस्तों बॉलिंग के मामले में अब देखो स्टार्टिंग और पे देखोगे मोहम्मद राणा दुल्हन दुल्हन जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग और पे बॉलिंग करेंगे और मोहम्मद रफ़ी उज़वान का रिकॉर्ड जो कि ये आपको स्टार्टिंग और फिर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे लेकिन डेथ और पे देखेंगे दोस्तों मजदूर रहमान और यहाँ पे आरफुल इस्लाम ये दो गेंदबाज फिर आपको डेथर पर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे बाकी के जितने खिलाड़ी देख रहे हैं दोस्तों ये बेंचेस मैच आपको नजर आएंगे ठीक है तो ये सारे स्टेट्स आपके सामने हैं बंगलादेश अंडर नाइनटीन के सारे रिकॉर्ड्स आप बैटिंग ऑर्डर के साथ देख सकते हैं अब साउथ अफ्रीका के टीम की तरफ से देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे जोनाथन का uh, रिकॉर्ड जो कि टीम के ओपन करेंगे दोस्तों पहले मैच के अंदर इक्कीस रन फिर बीस रन स्कोर किया हुआ है इस सीरीज के अंदर बहुत बढ़िया खेले इनको लेना है बाकी यहाँ पे लोहान ड्रे का रिकॉर्ड पहले मैच के अंदर 25 रन फिर जीरो रन स्कोर किया हुआ है डेविड टैगर जो कि पहले मैच के अंदर 37 रन फिर 75 रन बनाया हुआ है इनका रिकॉर्ड फिर बहुत अच्छा है दोस्तों बढ़िया खेले हैं रिचर्ड पहले मैच के अंदर 20 रन फिर 24 रन स्कोर किया हुआ है डेवन मैरिज जो कि पहले मैच के अंदर आठ रन स्कोर किया फिर थर्टी रन बनाया दो मैच के अंदर छियालीस रन बनाया हुआ है जुआन जेम्स दो मैच के अंदर दोस्तों नौ रन बना के एक विकेट है मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है बॉलिंग भी करते हैं दोस्तों टी ट्वेंटी में पाँच मैच के अंदर पचास रन बना के चार विकेट निकाला हुआ है बाकी बैनी को ड्रॉप करेंगे लेम का रिकॉर्ड चार दो मैच के अंदर चौबीस रन बना के दोस्तों चार विकेट निकाला हुआ है टी ट्वेंटी में सात मैच के अंदर इक्कीस रन बना के बारह विकेट निकाले हुए हैं ओलिवर का रिकॉर्ड देखेंगे दोस्तों अड़तीस रन बना के एक विकेट है केवना जो कि दो मैच के अंदर पंद्रह रन बना के छः विकेट निकाले हैं दोस्तों थोड़ा लेट बैटिंग करते हैं लेकिन हाँ बॉलिंग बहुत गजब किया हुआ है चार विकेट पहले मैच के अंदर दूसरे मैच के अंदर दो विकेट बाकी यहाँ पे रोमाशन पिले जो कि दो मैच के अंदर दोस्तों चौदह रन बना के एक विकेट निकाला हुआ है और ये एक ही मैच खेला हुआ है चार ओवर का बॉलिंग में एक विकेट है दोस्तों बाकी यहाँ पे शिफो ये दो विकेट्स निकाले हैं अभी स्टार्टिंग और पे देखो केवाना और ऑलि ये दो गेंदबाज स्टार्टिंग और पे बॉलिंग करेंगे और डेथ ओवर पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे रोमाशन पिल्ले और यहाँ पे केवाना ये दो गेंदबाज फिर आपको डेथ ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे बाकी के जितने प्लेयर देख रहे हैं दोस्तों ये आपको बेंचेस में आज आपको दिखने वाले हैं तो ये सारे स्टैट्स आपके सामने हैं बांग्लादेश अंडर 19 और साउथ अफ्रीका अंडर 19 के सारे खिलाड़ियों का बैटिंग ऑर्डर के साथ इनके पुराने स्टैट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं भाइयों तो सारे डिटेल्स आपने देख लिया है चलिए अब टीम की ओर आगे बढ़ते हैं शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर से ए बिन सिद्दीक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों बांग्लादेश अंडर 19 के टीम के तरफ से खिलाड़ी टीम के टॉप ऑर्डर पे खेल रहे हैं इनको तो ट्राई करना ही होगा बैटिंग से तीन बैट्समैन को मैंने लिया हुआ है आर डी टीगर आर पीले और यहाँ पे एस जेम्स ये तीनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है बैटिंग सेक्शन में इन तीनों को अपने टीम के अंदर जरूर से ज़रूर ट्राई करना दोस्तों बाकी ऑलराउंडर से देखेंगे तो मैंने तीन ऑंडर को लिया हुआ है जे जेम्स एम रहमान और यहाँ पे ए इस्लाम ये तीनों प्लेयर बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स दिया हुआ है आप इन तीनों को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना बाकी बॉलिंग से चार बॉलर यहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश अंडर नाइनटीन की टीम की तरफ से दो खिलाड़ी है और साउथ अफ्रीका अंडर नाइनटीन की टीम की तरफ से दो प्लेयर ओवरऑल मैंने चार बॉलर्स को लिया हुआ है जिसमें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए मैं इन दोनों को सजेस्ट करूँगा जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से काफ़ी अच्छा अभी तक पॉइंट्स दिया हुआ है तो दोस्तों इस टीम को अभी आप सेव कर लो फिलहाल और लाइनअप का वेट करना अगर एक दो प्लेयर चेंज होता है तो फाइनल टीम टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा बाकी भाइयों वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करना मिलते हैं बहुत जल्द अगला वीडियो में धन्यवाद